दोस्तों इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की बोतल हमारे घर में पड़ी हुई होगी, तो हम इन कोल्ड ड्रिंक की बोतल से बनाने वाले हैं इस तरीके के खूबसूरत से प्लांटर, छोटे छोटे। उन छोटे प्लांटर में कौन कौन से पौधे लगाने हैं वो भी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे आप सभी को तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मैं अगर इस तरीके की कोई वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अभी गर्मियों के टाइम पे हम लोग के घर पे बहुत से ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स आती हैं जो कि हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, बट उन्हीं बॉटल्स को अगर हम चाहें तो छोटे छोटे से प्लांटर कुछ उस पर क्रिएट करके अपने गार्डन को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो उन्हीं में से यहाँ पर मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि छोटे छोटे प्लांटर कैसे हम बनाएँ और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, क्योंकि ये सारे वेस्ट हो जाते हैं तो इनको वेस्ट का हम वेस्ट बनाते हैं अपने गार्डन के लिए। तो क्या करना है आपको, इस तरीके की बोतल लेना है। अगर जैसे मैंने पॉट बनाया उस तरीके से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से उभारे बनी होती हैं जिनसे हमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन्हीं से हम कट कर सकते हैं। कोई अच्छा सा ब्लेड लीजिएगा रेजर जिससे अच्छे से ये कट जाए। तो आप यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं वाटर कलर से, मैं तो फ़िलहाल ऐसे ही कट करूँगी। और दोस्तों थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि जो बॉटल्स होती है बहुत ही सख्त होती है, वो ब्लेड जो हमें थोड़ा सा शार्प लेना है इस तरीके से, और गोलाई में काट लेना है थोड़ा सा। दोस्तों हमें इस तरीके करना है, इनकी जो एयर होती है वो भी बनाना रहता है। तो आप पहले ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कई बॉटल्स वगैरह बनाई तो थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस रहता है। दोस्तों फिलहाल आप लोग थोड़ा संभाल के करें, क्योंकि मुझे कई जगहों पर कट लगे हुए थे। तो जब भी आप इस तरीके से काम करें थोड़ा सा केयरफुल्ली होकर काम करें। यहाँ पर इस तरीके से एयर बना लेना है 1 इंच या 1.5 इंच का, आप थोड़ा सा तो इंच टेप का भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं इस तरीके से करती हूँ, बाद में इनको सेट कर लेना है जब हम अपना शेप देते हैं पॉट का। तो यहाँ पे मैं किटी जो होती ना वो बनाने वाली हूँ, देखिए इस तरीके का निकल आता है। तो मैं थोड़ा सा अलग करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे दिख नहीं रहा सही से क्या कैसे है। तो इतना ही, मतलब ये ज़्यादा नहीं, तो 4 इंच का तो पॉट बन ही गया आराम से। मैं छोटे छोटे से हमारे सकुलेंट वाले प्लांट्स लग सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपको कट कर लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट जो भी है देखने में खूबसूरत लगते हैं। देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना, मैं यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर दिख जाए। मोसरोज के प्लांट के ऊपर रखे, हाँ इसमें मोसरोज भी लगा सकते हैं। कलर आपको कौन सा लेना है दोस्तों, इस तरीके से कलर में जो होता है ना ऑयल पेंट वो यूज़ कर रही हूँ। आप लोग जानते होंगे पर्चर वाले जो होते हैं वो वाला पेंट बेस्ट होता है हमारे प्लास्टिक के लिए, दीवार जो दरवाजे वगैरह कलर करने के लिए आते हैं, तो वो हमारा बचा हुआ था वही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ यूज़ कर रहा छोटे से ब्रश पे, क्योंकि बड़े ब्रश मेरे पास है बहुत ही ज़्यादा बड़े, तो उनको मैंने यूज़ कर रही थी। छोटे छोटे ब्रश से आसान भी रहता है, ज़्यादा पेंट भी वेस्ट नहीं होता। अगर बड़ा ब्रश लेते तो उसमें पेंट भी ज़्यादा वेस्ट हो जाता। थोड़ा सा यहाँ पर मैं कंजूसी से काम कर रही हूँ। तो देखिए कलर बहुत ही पिंक कलर का, इसमें थोड़ा सा डार्क दिख रहा है और फिलहाल ये लाइट पिंक था, बहुत ही मतलब प्यारे लग रहे थे। इस तरीके कलर गार्डन में अगर रहते हैं ना तो गार्डन की थोड़ी सी और ही कलरफुल नज़र आने लगते हैं। तो इस तरीके से पूरा कलर कर लेना है, इस तरह दूर दूर लग रहे बाद में दोस्तों कलर फैल जाते हैं क्योंकि ऑयल पेंट है तो फैलते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें केरोसिन ऑयल ऐड कर लेंगे तो थोड़ा सा कलर अच्छा सा, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर गाढ़ा रहेगा तो एक एक जगह इस तरीके से कलर हो जाता है। थोड़ा सा पतला करके अगर करेंगे तो कलर अच्छे से फैल जाता है। आपको जो भी आपका फेवरेट कलर है दोस्तों उस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये फिलहाल सूख पूरा कलर हो गया है, तो इनको मैं सूखने के लिए रखती हूँ 15-20 मिनट के लिए। ये पूरा एक दिन भी लग सकता है, लेकिन धूप अभी ज़्यादा तेज़ है तो अच्छे से दोस्तों सूख गया। तो यहाँ पे मैं पेंसिल से इनकी आईज़ वगैरह ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि आसानी से इनकी आईज़ वगैरह बन जाए। तो आप भी जिस तरीके आईज़ जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर पेंसिल से बना रही हूँ, पेंसिल से इसलिए बना रही दोस्तों ताकि अगर लाइनें टेढ़ी हो जाए तो इनको मैं थोड़ा सा कवर कर लूँ, मार्कर से छूटते नहीं है। और यहाँ पे मैं आंखें बना रही हूँ, फिर नोज़ बनाती हूँ, मुँह बनाना है, फिर जो बिल्ली की जो मोछी होती है ना वो भी बनाना है, 3 जो होती है। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर हमें एयर का भी करना है, इस तरीके से लाइनें खींच ले रही हूँ। यहाँ पे अब जो कलर दोस्तों हम यूज़ कर रही है एक्लेरिस का कलर है, बहुत ही प्यारे होते हैं ये, और इजी ये 30 रुपीज़ में मिल जाते हैं अगर हम लेने जाते हैं स्टेशनरी की दुकान पे। तो
मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे हमें आइस ड्रो करनी है आराम से। और क्या होता ना कि आइस बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मुझे ड्राइंग छोड़े काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी मुझे मतलब शौक लगती है करना पर नहीं हो पाता। फ़िलहाल में थोड़ा सा अभी अच्छा लग रहा था ना, इस तरीके के इमोजेस मैंने देखे कुछ लोगों की वीडियोस में, कुछ इस तरीके के जो DIY क्राफ्टेड लोग कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी क्रिएट करती हूँ, आप लोग के साथ भी वीडियो शेयर करती हूँ। क्योंकि इस तरीके के पॉट्स अगर छोटे छोटे गार्डन में रखे रहते तो देखने में प्यारे लगते हैं, और हमारा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि छोटे ही पॉट में खूबसूरत दिखते हैं, तो हम अगर बाहर लेने जाएंगे तो इस तरीके के पौधे दोस्तों पॉट्स महंगे मिलेंगे, तो घर पे क्रिएट कर लो ज़्यादा बेटर है। तो बॉटल्स तो फ्री में मिल ही जाती है, प्लस हमें दोस्तों क्या कहते हैं कलर भी पड़े हुए होते हैं उनको भी यूज हो जाता है। आइस देखिए इस तरीके से डबल आइस बनानी पड़ती है, उसको फिर हम कलर भरेंगे ब्लैक कलर। एक लेंस का कलर भी दोस्तों बेस्ट होता है, वो ऑयल पेंट प्लास्टिक की बोतलों में अच्छे होते हैं। थोड़ा सा सूखे हुए कलर है क्योंकि मैंने भी बहुत ही जल्द 2 या 3 दिनों पहले मंगाए, और मुझे पता भी नहीं इनको किस तरीके से गीला करना है, सूख बहुत ज़्यादा गया है, इनको कलर करते करते ही सूख जाते हैं, तो अच्छा होता है अगर इनको आप पानी वगैरह भी पड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर थोड़ी सी उल्लू की आँखें लग रही हैं देखने में। और यहाँ आइस कंप्लीट होगी, यहाँ पे नोजू तैयार करनी है, और यहाँ पे फिर इसका हमें बनाना है इस तरीके से तिकोने टाइप से, ताकि देखने में स्माइल टाइप से लगे। और हमें बनानी इनकी मूछें, ये बिल्ली की मूछें होती चाहे मेल हो या फिर फीमेल, उनकी मूछें ज़रूरी रहती हैं। क्यूट सी हमारी किटी रेडी हो गई है, अभी थोड़ा सा और भी चीज़ें बाकी हैं दोस्तों। इनकी जो आइस है उसमें वाइट कलर हमें ऐड करना है, तभी कलर अच्छे से इनका जो क्रिएट किया मैंने अच्छे से नज़र आएगा। और एयर को भी हमें यहाँ इस तरीके से कर देना है ताकि देखने में खूबसूरत लगे। देखिए इस तरीके से ब्लैक कलर से हमें सारी चीज़ें कर देनी है, बहुत ही प्यारे लग रहे देखने में। और अब इसमें वाइट कलर हमें लगाना है, वाइट कलर से आँखें थोड़ी सी और अच्छी दिखेंगी। देखिए थोड़ा सा कलर फैल जा रहा है क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं रह गया है किस तरीके से क्या ड्रॉ करना है। बच्चे लोग करते हैं बट अपना तो खुद का तो रहता नहीं है, बट गार्डनिंग में ध्यान देना ड्राइंग, लेकिन दोस्तों से सीखनी चाहिए ये चीज़ें, कभी बेकार नहीं जाती हैं, टैलेंट जो होता है कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। मुझे तो ऐसे भी ड्राइंग मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद थी, बट अभी क्या है कि नहीं हो पाता है। और इधर आइस भी आज बच्चों वाला काम फ़िलहाल हो रहा है, जब स्टार्टिंग में बच्चे ड्राइंग करते हैं तो कलर वगैरह फैल जाते हैं, मेरे हाथों में इस तरीके से फैले हुए हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे गमले भी पेंट किए थे जो पड़े हुए थे, और भी मैंने कुछ पॉट्स DIY करके बनाए थे उनको भी मैंने कलर किया हुआ है, जिसकी वजह से हाथ पे सारे पेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इनकी आइस भी मैंने दोस्तों बना ली है, और जो इनकी एयर इनको भी थोड़ा सा हमें येलो करना है अभी, ताकि अच्छे से कलर नज़र आए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप जो पॉट के कलर है वो भी डिफरेंस कलर कर सकते हैं, येलो है या फिर स्काई कलर है, ब्लू, जो भी आपको अच्छा लगे ना वो सारी चीज़ें, और भी आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें करना है, कलर अच्छे से दोस्तों सूख जाए उसके बाद में आप कोई कलर अप्लाई करिएगा, नहीं कलर मैश हो जाता है मतलब एक दूसरे में इस तरीके से। यहाँ पे हमारा येलो भी हो गया इंजन का काम था, तो फाइनली हमारा जो किटी है वो रेडी है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी आपके बोतल में बना सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स आती है जो वाटर बोतल बच्चों की होती है स्कूल वाली ना, अभी तो बेकार ही होंगी, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा सा एक जो किटी के चिक है उनको भी रेड करना है, इस तरीके से रेड हो जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। देखिए कलर थोड़ा सा ब्लैक और रेड मैश हो रहा है, तो इसलिए सूखने के बाद ही हमें यूज़ करना चाहिए। तो फाइनली हमारा यहाँ पे दोस्तों तैयार हो गया है छोटा सा खूबसूरत सा पॉट, तो आप भी बिना देरी के दोस्तों ज़रूर तैयार करिएगा। दोस्तों देखिए कितने प्यारे लग रहे, तो इस तरीके से मैं कई पॉट्स यहाँ पर पिगी भी मैंने तैयार किए हैं देख सकते हैं, और नई नई चीज़ें दोस्तों जब हम सीखते हैं तो अच्छा लगता है, सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आई होप दोस्तों आज की वीडियो
और इसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे कि सकुलेंट है या फिर छोटे पौधों जिसमें प्लांट वगैरह है ना, इनको हम लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे जो टेबल बैग बनाते हैं ना, कटिंग लगाई थी तैयार है, तो उनको भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो, नए प्लांट, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।